सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप जैसा कि जानते हैं, चूंकि नेशनल लेट इट गो डे है, अब इसे हम हिंदी में क्या कहें, जाने दो, हो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, पुरानी बातों को भुला दें, रात गई बात गई, या फिर माफ़ कर दिया, मिट्टी डाल दो, ऐसे जो बातें ऐसी हैं हमारे मन को आहत करती हैं, हमें ठेस पहुंचाती है, हमें परेशान करती हैं, उन्हें भूल जाने में ही भलाई है। वरना ऐसी घटनाओं के प्रति अगर हम प्रतिक्रिया देंगे और उसका जवाब देंगे, ईंट का पत्थर से जवाब देंगे, तो वो आगे चल करके निगेटिविटी को, नकारात्मकता को बढ़ाता ही जाता है। क्यों हम अपना समय और अपनी शक्ति इसमें बर्बाद करें, है ना? आपका क्या कहना है? जी हाँ, आपका जो कुछ कहना है अपने कमेंट्स में आपने कहा है। और आपको बताएं, हमारी एक वरिष्ठ श्रोता है, लिखती है कि दिल मन एक नाजुक संवेदनशील इंद्रिय, स्तुति से प्रोत्साहन से खिल जाता है, विश्वासघात, द्वेष, बुरे शब्द या अपमानकारक व्यवहार से मुरझा जाता है। आरंभ में तो आंखें भर आती है, बाद में बदला जैसे को तैसा, ऐसे विचार मन में उमड़ आते हैं। फिर याद आता है, आग आग से नहीं पानी से बुझती है, अंधियारा अंधकार से नहीं कम होता, दीपक की जरूरत होती है। दिल को ठेस पहुंची है, बात बिगड़ गई है, तो शांति से सोचकर क्षमा करने से काम हल्का और आसान हो जाता है। लेकिन जी हाँ, छोड़ देना, माफ करना, इस बात की भी कोई सीमा होती है। शिशुपाल के 100 अपराध भरने पर तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र चला दिया था। और उसी के आगे एक कमेंट है हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं कि आज के विषय को सुनते ही एक गीत की पंक्ति याद आ रही है। फिर ठेस लगी दिल को, फिर दिल याद ने तड़पाया, फिर बहने लगे आंसू, दिल दर्द से भराया। हमारा जीवन उतार चढ़ाव भरा होता है और उसमें खुशी गम भी शामिल होते हैं। ऐसे में जिंदगी मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं होती। ऐसे पल भी आते हैं जब किसी अपने की बातें हमारे दिल को ठेस पहुंचा जाती है। दोस्तों की तरह रिश्तेदारों को चुनने का ऑप्शन नहीं होता और इसी का फायदा कुछ रिश्तेदार उठा लेते हैं। परिवार भी इसका अपवाद नहीं है, लेकिन परिवार के सदस्यों में सहन शक्ति और सामंजस्य की भावना होने के कारण ये ठेस स्वाभाविक रूप से भुला दी जाती है। परंतु अन्य रिश्तेदारों की किसी बात से पहुंची ठेस को मरते दम तक कोई भी पक्ष भुला नहीं पाता। ऐसे में रिश्ते किसी घुन लगी लकड़ी की तरह हो जाते हैं, जो बाहर से तो ठीक ठाक लगती है पर अंदर से खोखली और जर्जर होती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं जिनमें से फलसफाना बातें उभर करके आ रही है, और हमने भी सोचा आज बात जिंदगी के फलसफे के बारे में ही होने वाली है। तो गीत भी हमने कुछ ऐसे ही चुने हैं, कुछ प्रार्थना गीत है फिल्मों से, तो कुछ फलसफाना गीत है। आइए शुरुआत करते हैं दो आंखें 12 हाथ फिल्म के इस रचना से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं, गीतकार और संगीतकार के नाम बताइए।
नेकी पर चले और बदी से टले, यही तो जीवन का उद्देश्य है। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भरत व्यास की यह रचना थी, संगीतकार वसंत देसाई। जीवन में कई बार ऐसे मौके हर किसी के साथ आ ही जाते हैं जब हमें किसी के कहे हुए कुछ शब्द या बातें मन को ठेस पहुंचा देती है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, और अक्सर ऐसा तभी होता है जब हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं, कोई उम्मीद रखते हैं, और सामने वाले से उपेक्षित होकर उनकी कही हुई बातों को दिल पर ले लेते हैं। किसी की कही हुई कड़वी बातों से दुखी हो जाना, इसके जिम्मेवार अक्सर हम स्वयं होते हैं। और सामने वाले से जुड़ी हमारी उम्मीद होती है। मेरे जीवन में भी ऐसे मौके आए, लेकिन मैं हमेशा अपने को हंसकर टाल देता हूं और विविध भारती और अपने पसंदीदा गीत संगीत के सहारे स्वयं को संभाल लेता हूं। अगला एक कमेंट हमारी श्रोता लिख रही है कि जब किसी के द्वारा कही हुई बातों से हमारा दिल दुख जाता है, तब हम उन बातों को तुरंत दिल से लगा लेते हैं। मानसिक तनाव झेलते हुए उस समय तो चुप रह जाते हैं, क्योंकि कई बार रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी चुप रहना ठीक होता है, लेकिन वो बातें मन को कचोटती रहती है। सामने वाला अपने कटु शब्दों या अपने व्यवहार से भावनात्मक रूप से हमें चोट पहुंचाकर खुश हो सकता है, लेकिन मौका मिलते ही हमें सामने वाले से उन बातों को कहने का कारण अवश्य जानना चाहिए, और कोई गलत फहमी है तो दूर अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सही कि आपने लिखा है श्रोताओं, के दिल दुखाने वाली बातें अगर साफ साफ कह दी जाए कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो दिल साफ हो जाते हैं, आगे रिश्ता और मजबूत हो जाता है। आगे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दिन भर में ज्यादातर बातें ऐसी ही होती हैं जिसमें जिसने चाहा भी नहीं होता और हम आहत हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में आहत होना पूरी तरह हम पर निर्भर करता है, और ये समझ लो जो जितना ज्यादा छवियों में जिएगा वो उतना ज्यादा आहत होगा, क्योंकि छवि सच्चाई से टकराएगी ही टकराएगी। इस स्थिति में माफी ही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है, लेकिन ये माफी अपने आत्मसम्मान से बिना कोई समझौता किए दी जाए, ये भी ख्याल रहे। देखिए और किन किन बातों का ख्याल रखना है आगे हमारे श्रोताओं के कमेंट्स में आता ही जाएगा। फिलहाल अगले गीत की बारी है, और 1971 की फिल्म गुड्डी का गाना आपको सुनवा रहे हैं। आपको पार्श्व गायिका की आवाज और इसके साथ साथ गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। Yeah.
जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब सही है। वाणी जयराम का मुख्य स्वर था इस गीत में, गुलजार की रचना, वसंत देसाई का संगीत। दोस्तों, हमारी श्रोता ने आज के विषय के बारे में लिखा है कि यदि हम क्षमाशीलता के गुण को अपना लें तो जीवन में शांति और आनंद का रस घुल जाएगा। क्षमा करना बड़प्पन को प्रकट करता है। दुर्व्यवहार करने वाले हमेशा छोटी मानसिकता रखते हैं। क्षमाशीलता न केवल मन की गांठ को खोलती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। पर कई बार कुछ बातें हमारे मन को बहुत व्यथित करती हैं, उसके लिए हमें क्षमाशीलता के गुण को अपनाना चाहिए। ठेस पहुंचाने के मुद्दे को लेकर लोग न जाने क्यों गंभीरता से नहीं लेते। हमारी श्रोता लिख रही हैं, सबसे पहले तो आप नजर दौड़ाओगे तो आपको अपने परिवार में ही कोई न कोई सदस्य ऐसा दिख जाएगा जो हमेशा नाराजगी और द्वेष से भरा रहेगा और आपको ठेस पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने न देगा। ऐसे लोगों के लिए अक्सर अपने मन का प्रेम भाव का कुआं सूख ही जाता है। हालांकि ये भी सच है, जो दमित होता है वो बार बार दमित होता ही रहता है, मगर जो लोग ठेस पहुंचाने वाले को माफ करने से इनकार कर देते हैं वे इस बोझ को लिए दिन ब दिन घुलते भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को माफ करें, क्योंकि भले ही दमित करने वाला आपसे क्षमा न मांगे मगर ये आपके स्वास्थ्य और आपके रोज के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे कमेंट्स का सिलसिला जारी रहेगा और अगला गाना अब आपको सुनवा रहे हैं नास्तिक फिल्म से। ये फिल्म 1954 में आई थी। गीत आप पहचान गए होंगे कि कौन सा गीत बजने वाला है। जी हाँ, प्रदीप की आवाज़ में ये गीत है। प्रदीप का ही लिखा हुआ, संगीतकार सी रामचंद्र। और आप ये भी जानते होंगे कि इस फिल्म का निर्देशन किया था I.S. जौहर ने। क्या आप जानते हैं नास्तिक फिल्म का ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया? तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज परेप के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते।
फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आपकी जानकारी श्रोताओं बिल्कुल सही है, नास्तिक फिल्म का ये गाना फिल्माया गया फिल्म के नायक अजीत पर। अब हमारे श्रोता का जो कमेंट है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि इंसान को जब कोई व्यक्ति या व्यवहार पसंद नहीं है तो शब्द रूपी बाण चलाता है। इन शब्दों से किसका मन दुख पहुंचाता है, जिसमें लगे घाव तो भर जाते हैं लेकिन शब्द का घाव नहीं भरता। इसलिए जब भी आप बोलें तो दो शब्द का स्वाद चख लें, मौन रहें। जो आपको पसंद नहीं वो सामने वाले को क्या पसंद आएगा। इसलिए कहा गया, गुजराती में कहा गया है, नव बोल्या मां नव गुण, ना बोलने में नव गुण है। और एक श्रोता का ये कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि गलती माफी के लायक हो तो माफ भी कर देते हैं, वरना जिंदगी भर उस व्यक्ति को माफी नहीं दी जाती है जो बहुत बड़ी गलती करता है या फिर सोच समझकर की जाती है। क्योंकि एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ में नलकी डाल दो और कुछ साल बाद निकाल लो, फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। कुछ लोग इसी फितरत के होते हैं। जब भी कोई चुभती हुई बात कहते हैं तो सीधा दिल पर लगती है, हमारी श्रोता लिखती हैं। जब क्रोध और रोना आ जाता है, जब अपना ही कहता है तो ज्यादा ठेस पहुंचती है। जब रिश्तेदार दोस्त या अन्य लोग कहते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं पर अपने स्वभाव के कारण चुप रहना ही भला समझते हैं, पर मन में ये बात घर कर जाती है। कहते हैं माफ कर देना चाहिए पर इतना आसान नहीं है। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1966 की फिल्म तीसरी कसम से हमने चुना है, मुकेश की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। क्या आप जानते हैं तीसरी कसम फिल्म का निर्देशन किसने किया था? आपको बताना है निर्देशक का नाम, फिल्म का नाम तीसरी कसम। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जमानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सिखाया रोना सिखाया, जीव
जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जी हाँ दोस्तों, निर्देशक का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना है, बासु भट्टाचार्य। और जो ये धुनें पार्श्व में आप सुन रहे हैं हमारी बातों के, उनमें से जो इलेक्ट्रिक गिटार की धुनें हैं उनके बारे में हमारे एक श्रोता, जो जानकार श्रोता है इंस्ट्रूमेंटल्स के बारे में, उन्होंने लिखा है कि ये सुनील गांगुली की बजाई हुई धुनें हैं। बिल्कुल सही है। जब हमारे सरहद की बात आती है, हमारे श्रोता ने लिखा है, तो सामने वाले को शत्रु मान के हमें उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है और वहां कृष्ण नीति अपनानी पड़ती है। वहां ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ता है। और एक वरिष्ठ श्रोता है, लिख रहे हैं, आज के शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, दिल का खिलौना टूट गया है। दिल और मन दोनों संवेदनशील है, किसी के द्वारा किया गया विश्वासघात या अपमानजनक व्यवहार से हमारा हाल भी यही होता है, तब हमारे दिल में भी बदले की भावना जग उठती है। लेकिन ऐसा करने के बदले हम अपने मन को माफ कर कह देते हैं, जाने दो ना, हमें उसके जैसा नहीं होना है, क्योंकि आग से आग कभी बुझती नहीं, अंधेरे से अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता, उसमें एक में पानी की जरूरत पड़ती है, दूसरे में रोशनी की जरूरत पड़ती है। और एक कमेंट है हमारे श्रोता का कि मौन में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जो आपको पसंद नहीं ऐसा दूसरे के साथ व्यवहार ना करें। धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। जीवन में सभी जगह, घर में, समाज में, सभी को कटु वचन का सामना करना पड़ता है। इसका एक ही इलाज है, शब्द आकाश का भाग है ये समझकर उसे संग्रह न करते हुए मन से निकाल दीजिए। बार बार याद करोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए महापुरुषों का कहना है, सुखी रहना है तो दुनिया के द्वंद्वों से दूर रहे। भैया एक से बढ़कर एक कमेंट्स आते जा रहे हैं हमारे श्रोताओं के। अब इन कमेंट्स के पहले आपने सुना था तीसरी कसम का गाना, और अब आपके लिए आ रहा है आपकी कसम फिल्म का गाना। 1974 की यह फिल्म है, किशोर कुमार की आवाज में गीत है, फलसफाना गाना, लिखा हुआ है आनंद बख्शी का, संगीतकार राहुल देव बर्मन। जिंदगी के सफर में सवाल तो पूछा ही नहीं। जी हाँ, आपको बताना है आपकी कसम फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं,
हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम है। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। आपकी कसम फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम आपने सही लिखा है, जे ओम प्रकाश।
और हमारे श्रोता हैं, लिख रहे हैं कि किसी की कही हुई बात अगर बुरी लगे तो उसे जाने दें। अगर बोलने वाली बातें बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोचें। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो कहीं गई बातों को जाने दें। जीने का अंदाज बस यही रखा कीजिए, जो आपको ना समझे उसे स्वयं जाने दें, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि आज अगर रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जाने दें बीती हुई बातों के बारे में हमेशा सोचकर सदैव प्रसन्न रहें। जो हुआ था वो भी श्रेष्ठ था, जो वर्तमान में हो रहा है वो श्रेष्ठतर है, और जो घटित होगा वो निश्चय ही श्रेष्ठतम होगा। आगे और कमेंट में लिख रहे हैं कि हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि हर एक कहानी के तीन पहलू होते हैं, एक आपका, एक उनका और एक सच का। किसी को कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से पहले सोच समझ कर बोलना और बाद में सोचना, ऐसा करने से परिणाम बदल जाते हैं। हाँ और ना, ये दोनों छोटे शब्द हैं, पर बिना सोचे समझे बोलने पर कभी कभी रिश्ते सुधर भी जाते हैं और कभी बिगड़ भी जाते हैं। मुंह में जबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। और एक कमेंट आपको बताते हैं, हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज लेट इट गो डे है, मतलब दया दिखाना, माफ करना। अगर किसी की कही हुई बात सीधे दिल को चीर देती है, दिल पर अमिट छाप छोड़ जाती है, तब चाहकर भी छोड़ने का मन नहीं करता, बार बार अतीत की याद दिलाता है, लेकिन कैसी भी गलती हो क्षमा करने वाला बड़ा और महान कहलाता है। तब बात आती है कि गलती करने वाला अपना तो माफ करना ही पड़ेगा। और गीत आपने जो याद किया है, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, संयोग देखिए, यही हमारी फहरिस्त में अगला गाना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम कुदरत। आपको बताना है गायक कलाकारों के नाम। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो। मुस्कुराती हसीन आंखों से देखो देखो समा बदलता है कैसे, जाने जहां चेहरे की रंगत खुल जाती है ऐसे। हाँ छोड़ो सनम काहे कदम, हंसते रहो खिलते रहो। महक जाए के महक जाए आज होठों की कलियां, झूमे फिजा ये कलियां बन जाए फूलों की गलियां। छोड़ो सनम काहे कदम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। ये आवाजें किशोर कुमार और एनेट की थी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है श्रोताओं।
ये जो वाद्य संगीत आप सुन रहे हैं यही गाना अगला हमारे कार्यक्रम में हमने शामिल किया है, मगर उससे पहले श्रोताओं के कमेंट्स की ओर बढ़ा जाए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तेदारी में कई बार गलतफहमी या कुछ अनबन की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है। उस समय हमें हालात को देखकर रिश्तेदार को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन समय रहते फिर वही बात सामने आ जाए तो उस रिश्तेदार से काम के सिवा कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहिए। यहाँ मुझे एक गीत की पंक्ति याद आ रही है जो बहुत ही बढ़िया बात कही गई है, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हम सामान भी खरीदते हैं तो चीज़ बहुत अच्छी लगने पर उसकी कुछ कमियों से समझौता कर लेते हैं। हमारे श्रोता ने कहा है, मोबाइल का कैमरा अच्छा है तो उसे खरीद लिया ये जानते हुए कि उसकी बैटरी वीक है। टी शर्ट के बाजू पर कंपनी का लोगो पसंद नहीं आया, अगर टी शर्ट का कलर पसंद है तो बाजू पर बने लोगों को इग्नोर कर दिया। मगर हम इंसानों के साथ कभी ऐसा समझौता नहीं करते, कपड़ों की तरह उन्हें कोई रियायत नहीं देते। छोटी छोटी बातें बुरा लगने पर सालों पुराने रिश्तों में पीछे हट जाते हैं, बातचीत बंद कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद नाराजगी पिघलकर हवा हो जाती है, सामने वाले के साथ गुजरा वक्त याद आने लगता है। खाली वक्त में उसे मिस भी करते हैं मगर उससे बात करने की पहल नहीं करते, उसे माफ नहीं करते। और भी छोटे छोटे कमेंट्स हमारे श्रोताओं के हैं। एक श्रोता ने लिखा है, जाओ छोड़ दो भूल जाओ माफ करो, ये सब बातें दोस्तों में और हमारे रिश्तों में ठीक है, लेकिन जब कोई बाहर वाला हमें ठेस पहुंचाता है उसे जवाब देना ही ठीक है, नहीं तो वो हम पे हावी हो जाता है। और अगला एक कमेंट है श्रोता का, रोड पर वाहन चलाते समय अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलती हो जाने पर हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता है तो तू मैं होती है और कई बार तो हाथापाई भी हो जाती है। वहां समझदारी से काम लेना चाहिए और जाने दो वाला फार्मूला अपनाना चाहिए। अगर अधिक नुकसान नहीं हुआ है तो जाने दो वाली बात वहां सही बैठती है। तो चलिए सुनते हैं 1959 की फिल्म अनाड़ी का ये गाना, मुकेश की आवाज है। आपको बताना है गीतकार का और संगीतकार का नाम, और यदि आप जानते हैं तो अनाड़ी फिल्म के निर्देशक का नाम भी हमें बताइए। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी,
असली नकली चेहरे देखे, दिल पे सौ सौ पहरे देखे, मेरे दुख से दिल से पूछो क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। बिल्कुल आपने सही जवाब भेजा है श्रोताओं। मुकेश की आवाज में हम सुन रहे थे शैलेंद्र का रचा हुआ गीत, संगीतकार शंकर जयकिशन और निर्देशक का नाम भी आपने सही लिखा है ऋषिकेश मुखर्जी। और ये हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब कोई अपना कोई ऐसी बात कह देता है तो दिल को चुभ सी जाती है, तब इतना दर्द चोट का नहीं महसूस होता जितना अपने के कड़वे बोलों का। अगर कहने वाला हमारा बेहद करीब है तो उसकी इस गलती को माफ करने से ही हम रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना। बात बात पे माफी सिर्फ वो शख्स मांगता है जो आपको खोने से सबसे ज्यादा डरता है। तो अपने की बात का बुरा मत मानो। और हमारे एक श्रोता हैं, अपने बारे में कुछ विस्तार से लिख रहे हैं कि जिस संस्थान में मैं कार्यरत हूं उसका लोगो एम्बलम ही ह्यूमैनिटी अहेड है। मेरे दायरे में 60 आदमी कार्यरत हैं, उनको समय समय पर ब्रीफ करना मेरी दिनचर्या में शामिल है। उनके भले के लिए ही मैं उन्हें ब्रीफ करता हूं, उनकी गलती पर उन्हें सुधारने के लिए कभी कभी खरी खोटी भी सुना देता हूं। उस समय तो उन्हें बुरा लगता है, शब्द ही घाव करते हैं और शब्द ही मरहम बनते हैं, और यही शब्द दिल पर लग जाए तो जीवन बदल देते हैं। हालांकि मेरे पास उनको स्थानांतरण करने का अधिकार है, फिर भी मैं उन्हें छोड़ देता हूं, माफ कर देता हूं, सोचता हूं जाने दीजिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है संबंधित स्टाफ नहीं सुधरा तो कोई चारा नहीं रह जाता। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आज तो कुछ अनसुने गीत भी सुनने को मिलेंगे। जी हां, सही कहा है आपने। तो अनसुना गाना जो आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं, इस गीत के बारे में बस इतना बताएंगे कि मुकेश की आवाज है, बाकी सब कुछ आपको बताना है। फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार बताइए। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। नहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे।
नजर का फेर है प्यारे, नजर का फेर है प्यारे, तू बहकावे में नाना है उसका सब जग जाना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। सीख ले मन को मनाना, सबर से काम चलाना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। सभी से प्यार निभाना है अपना चलन पुराना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। जी हाँ दोस्तों, पते की बात आपने बिल्कुल सही पहचानी है। दीवाना फिल्म का ये गाना था, मुकेश के स्वर में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और कार्यक्रम में अगला गाना 1956 की फिल्म बादल से आपको सुनवाएंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं की बात। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कोई दुश्मन ठेस लगाए, मनमीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, ठेस कौन लगाता है उस पर निर्भर होता है आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। बहुत बार सामने वाला आपकी जिंदगी में अगर महत्वपूर्ण ना हो तो उस पर सोचना भी स्वयं की मानसिक शांति बिगाड़ना है। अगर अपना है तो जब गुस्सा ठंडा होने पर उस व्यक्ति को अपनी भावनाओं का एहसास जरूर करा देना चाहिए। कोई भी आपके आत्मसम्मान को रौंदने का अधिकारी नहीं होता, चाहे वो कितना भी करीबी हो। मैं माफ करती हूं लेकिन भूलती नहीं, और वापस उस व्यक्ति को अपने इतने करीब नहीं आने देती कि वो आपकी अपनी सीमा रेखा जो है लांघ जाए। कहता है ना, अति परिचयात अवज्ञा। और कुछ कमेंट्स हैं हमारे श्रोताओं के। एक श्रोता ने लिखा है, मान सम्मान बढ़े इसके लिए सहनशील होना बहुत जरूरी है, क्षमा माफ करना ही स्थल है। क्या मिली है ऐसे लोगों से, ये गीत याद आया है। वैसे ऐसे सज्जनों से हटकर बेहतर है दूर से नमस्कार करके जाना। और अगला एक कमेंट श्रोता का है, जीवन में मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मन भेद ना हो, कोई बात पसंद नहीं है तो शांति से कहेंगे तो किसी को चोट नहीं लगेगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं ने अपने कमेंट में लिखी है। और इसके बीच हमारा अगला गाना 1956 की फिल्म बादल से, मन्नाडे की आवाज। आपको बताना है किस गीतकार ने इस गीत को रचा है, संगीतकार का नाम भी हमें बताइए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे,
बाजार से जमाने के, कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिया दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरते इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सब ये नहीं के लिए। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। जावेद अनवर का लिखा यह गीत था बादल फिल्म से, संगीतकार उषा खन्ना, दोनों जवाब सही है। और अब ये कार्यक्रम का अंतिम गीत। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में जो बीत गई सो बात गई, आज के विषय को लेकर के हम अंत में यही कह सकते हैं। और इस गीत के बारे में आपको केवल इतना बताना है, फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का नाम बताइए। संगीतकार तो उषा खन्ना हम आपको बता देते हैं, और साथ में हमारे एक श्रोता की बात यहाँ पे बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये जीवन है जिसमें अनेक मोड़ हैं, इंसानों की इस दुनिया में कौन सा इंसान कैसा है इसका पता लगाना तब तक मुश्किल है जब तक उस इंसान से हमारा सामना नहीं हो जाता। ऐसा कई बार होता है जब आपकी गलती ना हो तब भी आपको सुनना पड़ता है, और मेरे साथ भी हुआ है। पहले मैं लोगों से उलझ जाया करता था, अब सोचता हूँ जाने दो, शायद अब मैं समझदार हो गया हूँ। नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे लिखकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही लिखा है, फिल्म का नाम हम हिंदुस्तानी, गीतकार प्रेम धवन। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।